कल जो आपके युवराज ज्वेलर्स के नाम से चौधरी कॉलोनी चमड़ागर में जो सराफा की सराफी दुकान चलाते हैं उनकी दुकान पे तेजाब से हमला किया, उनके साथ और भी हथियार थे। कारण यह है कि इस ढंग से असामाजिक तत्वों का और गुंडा तत्वों का एक जो है समूह पनपता जा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों में बहुत रोष है, स्वर्णकार समाज में रोष है, सराफा संघ में रोष है। कारण क्या है कि आज बिना उधारी के धंधा चलता नहीं है। व्यापारी अपना उधार में किसी को माल देता है, पैसे मांगता है तो उस पर हमला होता है। तो इस ढंग से अगर ये रहेगा तो व्यवसाय कैसे होगा? पहली बात, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किशनगढ़ शहर में जो इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, ठगी की घटनाएं हो रही हैं, उनकी दुकान पे जाते हैं, हमको ये दिखाओ, 1,500 रुपये की चीज़ खरीद लेते हैं, छोटी सी अंगूठी वगैरह, और उसके एवज में चुपचाप वो क्या करते हैं, उसकी दुकान से 50-60 हज़ार का माल चुपचाप उठा करके ले जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं शहर में हो चुकी हैं। यहाँ पे इसी ढंग से और भी कोई स्वर्णकार या सराफा व्यवसायी किसी को पैसा देते हैं तो वो चोरी और सीना चोरी की तरह मतलब जो है व्यवहार करता है। पुलिस क्या कार्रवाई करती है? पुलिस इस मामले में क्या है कि प्रशासन की बहुत शिथिलता है। कारण क्या है कि वो जो पुराना राज सिस्टम चल रहा है ना, कि जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद पुलिस आएगी, तब तक कई लोग भाग जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, जाने अनजाने में कई जो सबूत है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रशासन को चाहिए कि इस पुलिस व्यवस्था का बड़ा एक पुनर्गठन करके सही ढंग से सख्ती से कार्य करे, जिससे आम जनता को भी सही मतलब जो राहत मिले, व्यापारियों को राहत मिले, सबको राहत मिले, तो ही उचित है। ठीक है, वरना ये व्यवस्था। आपका नाम? सत्यनारायण सोनी। गांधीनगर क्षेत्र में मालियों की वाड़ी में रूपचंद जी जाजोरिया जो स्वर्ण व्यवसायी है, उनके और उनके सुपुत्र पर किसी से उधारी के पैसे मांगने के बाबत तेजाबी हमला कर दिया गया था, और अड़ोस पड़ोस से जो लोग बचाने आए थे उन पे भी हमलावरों ने तेजाब से वार किया। इस संदर्भ में सभी सराफा एवं स्वर्णकार व्यवसायी उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही हो, शीघ्र गिरफ्तारी हो, इस बाबत आज SDM महोदय को ज्ञापन दिया है। इस महीने में ये दूसरी वारदात हुई है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही स्वर्णकार सराफा व्यवसायी दौलत जी सोनी की सलेमाबाद के अंदर पैसे मांगने गए, जब ऐसी वारदात को अंजाम दिया था, उनके हाथ में अभी भी फ्रैक्चर है। और हमारी प्रशासन से मांग है ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और शीघ्र दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। ठीक है, आपका नाम? चंद्रप्रकाश बेद, मंत्री किशनगढ़ सराफा संघ।